हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानिक ऑनलाइन क्लासेस। सो आज आम आप गोटे बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आणिक आसचु IDBI बैंक लिमिटेड रहा टोटल वैकेंसी अच्छी पाखापाखि 600 वैकेंसीज। ठीक अच्छे, सो बेसिकली आम ये वीडियो डिस्कशन करवा कि आपर कौन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रही है, डेट केवे केवे इंपोर्टेंट डेट अच्छी एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट एंड फर्स्ट डेट एंड व्हाट शुड बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड केते आपर ऑनलाइन फीस हम एटसेट्रा। ठीक अच्छे, सो लेट्स डिस्कस। ओके, देखो दिस इज बेसिकली द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी। ओके, ये कौन देखिए आप डिफरेंट जोन देखिए कौ स्टेट एंड यूनियन कैटेगरीज यूनियन टेरिटरी अंडर आसी देन आप कौन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दरकार आउ टेंटेटिव वैकेंसी एंड एटा आप डिफरेंट रिजर्वेशन डिटेल्स यूआर पर STSC OBC एटसेट्रा। ठीक अच्छे, तो जब आप जनरलिस्ट पोस्ट को देखिए, ठीक अच्छे, यहाँ कौटी पर आप रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM ग्रेड ओ बुझे 2025-2026 राइट। ओके, तो यहाँ आपंकर जोनटा अहमदाबाद बेंगलुरु चंडीगढ़ एटसेट्रा जोटा कि आप यूनियन टेरिटरीज अंडर आसे एंड ये आपंकर से लैंग्वेज जो लैंग्वेज जो जोन जो लैंग्वेज आरको आसो। ठीक अच्छे, एंड दिस इज योर टोटल वैकेंसी कि कौन टेंटेटिव वैकेंसी केते अच्छी यूआर पर फर एग्जांपल 30 अच्छे SC 10 ST 5 एटसेट्रा। ठीक अच्छे, देखी दिखाँ ये। ठीक अच्छे, ओके देन आपको आगे कौन अच्छे। ओके अगेन सेम जिन देखो पुणे थोड़े देखी दिखे, तो सहीटा जो आम जहाँ भी डिस्कस कल से कौन जनरलिस्ट पोस्ट आउ कौन आ अंडर स्पेशलिस्ट पोस्ट भी अच्छी कौन कहुए एग्री एसेट ऑफिसर दैट इज AAO बोली कह बुझे एंड ये पान इंडिया लेवल रे आपको रिक्रुटमेंटा हम। तो अगेन ये आपर जो अंडर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ये आपको डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी। ओके, नाउ इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि कौन कौन इंपोर्टेंट डेट्स आरक अच्छे फॉर बोथ द पोस्ट एंड पोजिशन जो आप जनरलिस्ट पोस्ट आउ स्पेशलिस्ट पोस्ट। तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपर October 1, 2024। ठीक अच्छे, एडवर्टाइजमेंट डेट केते आपनकर November 20। ठीक अच्छे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जदि आपन करिवे, ओके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पई कैंडिडेट्स माने जो करिवे आपनकर November 21 to November 30। ठीक अच्छे, ओके देन आपनकर टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट केबे होबो बोली से कहउछि December 2024 किंबा जनवरी मास भितरे हे जिवो बुझि परले। एटा आपनकर इंपोर्टेंट डेटटा। ठीक अच्छे, बुझिला चलन। ओके देन आम डिसाइड करवा डिस्कसन करवा कि कौन आपर बेसिक क्राइटेरिया रोक। ठीक अच्छे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कौन रहा कथ वर्क एक्सपीरियंस रहा कथ ना आप जब फिजिकल डिसेबिलिटी आप कमी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे एंड ऑल दैट। ठीक अच्छे, देखो ओके नाउ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आप पोस्ट AAO पोस्ट कि स्पेशलिस्ट पोस्ट ये आपर जनरल कि ग्रेड ओ जनरलिस्ट पोस्ट। ठीक अच्छे, एज के रहा कथ मिनिमम आप 20 रहा कथ आउ मैक्सीम आप 25 इयर्स रहा कथ दैट इज जो कैंडिडेट भी आपन अप्लाई करुछंती। ओके, आपन 2 October 1999 रो पूर्वरु जन्म हे नथिबा कथा एंड 1 October 2004 रो परे जन्म हे नथिबा कथा बुझी पारले। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन दरकार, देखो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपन खाली बैचलर डिग्री बेसिक दरकार BA हो MA हो व्हाटएवर हो जहाँ भी सॉरी BA हो BSc हो BCom हो हला एटा आपनकर जनरलिस्ट पोस्ट पई बट जेहतु से स्पेशलिस्ट पोर्ट ताकि आपको कौन दरकार 4 इयर्स डिग्री दरकार जोटा कि स्पेशली जमीक आप BSc BTech कि BE करेंगे ये जहाँ भी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई ये सब्जेक्ट्स एटलिस्ट 4 इयर डिग्री कोर्स करमती एग्रीकल्चर है हर्टिकल्चर है एटसेट्रा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जहाँ भी टी देखि दिखाँ लिस्टा। ओके देन मिनिमम पासिंग परसेंटेज से कितने मागे, ओके 60% फर जेनेल। ठीक अच्छे, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ओबीसी कैंडिडेट में 55% आप STSC एंड PWD कैंडिडेट। ओके, कंप्यूटर लिटरेसी कौन दरकार आप एटलिस्ट आप गोटे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रहा कथ आप बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप रहा कथ MS Excel MS Word एटसेट्रा केमी आप स्प्रेडशीट वगैरह काम करेंगे इतनी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको दरकार। ठीक अच्छे, ओके नाउ इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस हम कमी देखो। ओके, टेस्ट हम। ठीक अच्छे, यहाँ फर्स्ट आपड़ कौट आस लॉजिकल रीजनिंग डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन केटा क्वेश्चन थी 60 क्वेश्चन थी केते मार्क 60 मार्क दैट इज गोटे क्वेश्चन को गोटे मार्क से आपको इच टेस्ट आपको 40 मिनिट्स अवेलेबल कर टाइम लिमिट। ठीक अच्छे, इंग्लिश लैंग्वेज आपको 40 क्वेश्चन आसो अगेन 40 मार्क्स 20 मिनिट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 40 मार्क्स 40 एंड अगेन ये आपको टी एक्सट्रा टाइम मिलूँ दैट इज 35 मिनिट्स। ठीक अच्छे, बाकी जहाँ भी आपको जनरल इकोनॉमिक्स सॉरी जनरल अवेयरनेस थी कि करंट अफेयर्स वगैरह कि बैंकिंग अवेयरनेस जहाँ भी थी ये आपको 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन थी 60 मार्क मात्र 25 मिनिट्स में यहाँ तो आप जनरलिस्ट पोस्ट जब आप एडिशनल सेक्शन जब देखिए AAO गोटे एडिशनल आपको प्रोफेशनल नॉलेज मैंने कौन जो डिग्री आप जो प्रोफेशनल डिग्री फॉर एग्जांपल आप BSc एग्रीकल्चर करवा BTech एग्रीकल्चर कर जो प्रोफेशनल नॉलेज आपको पुणी एक्स्ट्रा 60 मार्क देवाक पड़ो पुणी 60 मिनिट्रे बट सॉरी 60 मार्क
60 क्वेश्चन केते मार्क रे आपन को 45 मार्क दिया जीवो 60 क्वेश्चन पे बुझेला। तो एटा बेसिकली आपन को सिलेक्शन प्रोसेस रे एग्जाम रो आपन को क्वेश्चन पैटर्न ठीक अछि। ओके एबे आपन पचारबे सर एज रिलैक्सेशन अछि कि ऑब्वियसली एज रिलैक्सेशन दिया होछि। फॉर एग्जांपल यदि आपन शेड्यूल ट्राइब किमा शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करंती जन आपन को 5 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन मिलिबो ठीक अछि। यदि आपन ओबीसी क्लास को बिलोंग करूछंती बट यू शुड बी कमिंग अंडर नॉन क्रिमिनल कैटेगरी दैट इज योर फैमिली इनकम द इनकम ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी लेस देन 10 लैक्स पर एनम देन यू कैन गेट एज रिलैक्सेशन ऑफ अबाउट 3 इयर्स बुझिपारे। ओके जदि आपन को कोनोसी डिसेबिलिटी वगैरह किछ अछि देन आपन यू कैन गेट 10 वर्ष आपको कौन मिल एज रिलैक्सेशन मिल अकॉर्डिंग टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016 बुझेगा। बाकी जदि आप देखते जब आप एक्स सर्विस मैन अच्छा जो आप इमरजेंसी कमिशन सर्विस आगे कम कर सब आप शॉर्ट सर्विस कमिशन वगैरह कम करें आपको से अनुसार 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन आपारे ठीक अच्छे। आउ जदि आप 1984 जो राइट्सटा होता इंडिया रे ठीक अच्छे। ओके सही रायट्स जब आप एफेक्टेड फैमिली को बिलोंग करती भी आपको गोटे 5 वर्ष रिलैक्सेशन टा प्रोवाइड करा जीवो। सो बेसिकली दिस इज द आपर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन क्राइटेरिया ठीक ठीक से देखी दिखुं ठीक अच्छे। ओके नेक्स्ट देखा आउ कौन अच्छी आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मुझे कही सारी कि जनरल असिस्टेंट मैनेजर पर कौन दरकार आउ स्पेशलिस्ट पोस्ट पर कौन दरकार वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ठीक अच्छे। ओके आप नाउ नाउ आप अप्लाई केमी करेंगे देखते ऑनलाइन डेट ऑनलाइन मोड आप अप्लाई करा पड़ो स्टार्ट के नवंबर 21, 2024 टू नवंबर 30, 2024 वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुझी आपड़ केमी अप्लाई करेंगे www.idbibank.in यही वेबसाइट को जाकि आप अप्लाई करेंगे नवंबर 21 टू नवंबर 30 यही मंथ एंड भितर बुझेगा। ऑनलाइन पेमेंट कौन फीस वगैरह ओके फीस है आपको जब STSC and PWD कैंडिडेट को बिलोंग करुँचे आपको 250 rupees पड़ो। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर बिलोंग टू एनी जनरल और ओबीसी कैटेगरी देन यू विल हैव टू पे अबाउट 1050 rupees टू अप्लाई द फॉर्म बुझेगा। सो दिस इज आप पेमेंट क्राइटेरिया ठीक अच्छे। ओके एनीवे सो दिस आपको डिटेल्स था IDBI वैकेंसी को लेकिन जल्दी ऑनलाइन अप्लाई करूँ एंड आप प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।